नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी 1992 में आई सभी ऑडियो कैसेट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं 1992 में आई वो ऑडियो कैसेट जिनको सुनकर कहीं ना कहीं आप और हम बड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी ढेर सारी यादें इन्हीं ऑडियो कैसेट में जुड़ी हुई हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी जो मैंने आपको गानों की झलकियाँ सुनाई, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। पूरी अच्छी नहीं लगी तो एक दो गाने तो ज़रूर अच्छे लगे होंगे। फिल्म का नाम है दोस्तों कैद में है बुलबुल, क्योंकि आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि ये एक टिप्स कंपनी पर ऑडियो कैसेट आया करती थी जो कि रियर ऑडियो कैसेट थी, जिस फिल्म का नाम था कैद में है बुलबुल। यदि आपके पास हो तो उसका रिव्यू ज़रूर करना। तो फाइनली हमारे पास ये ऑडियो कैसेट थी जिसका नाम है कैद में है बुलबुल, जिसमें आप देख सकते हैं भाग्यश्री और हिमालय मुख्य भूमिका में थे। और ये हिमालय है ना, भाग्यश्री के रियल पति हैं जैसा कि आप जानते होंगे, और भाग्यश्री ने भी बहुत सारी फिल्में सुपरहिट दी हैं और बहुत अच्छी हीरोइन थी उस ज़माने में, आप जानते थे, और कहीं ना कहीं आप भी इनको पसंद करते होंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी ऑडियो कैसेट का रिव्यू करेंगे और हो सकेगा तो इससे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी आपको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, और इस ऑडियो कैसेट से कौन कौन सी आपकी यादें जुड़ी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास टिप्स कंपनी पर आई कैद में है बुलबुल की सिर्फ एक ऑडियो कैसेट है, और वो भी दोस्तों मास्टर ऑडियो कैसेट है। जी हां दोस्तों, मास्टर ऑडियो कैसेट। और दोस्तों 90% वीडियो में मैं आपको मास्टर कैसेट ज़रूर दिखाता हूँ, और मेरे पास लगभग होती है क्योंकि मैंने इन्हीं ऑडियो कैसेट से रिकॉर्डिंग की है जब मैं म्यूजिक सेंटर चलाया करता था। तो इनसे कहीं ना कहीं मैंने गाने भरे हैं, और इतने सालों तक सिर्फ आप दर्शकों के लिए ये कैसेट सुरक्षित रखी है, दिखाने के लिए, ये बेचने के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि वाकई में हमारा 90s का दशक कितना अच्छा था, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में थी, कितने कितने अच्छे गाने थे। तो फाइनली देख सकते हैं आप टिप्स कंपनी पर आई कैद में है बुलबुल की ओरिजिनल मास्टर ऑडियो कैसेट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टिप्स का लोगो लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत भाग्यश्री जी का आपको फ़ोटो मिल जाता है, और साथ में उनके पति हिमालय का भी मिल जाता है। यहाँ पर लिखा है कैद में है बुलबुल। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर रविंद्र पीपड़ जी थे, और इसमें म्यूजिक आनंद मिलिंद का था, लिरिक समीर के थे। इसके कुछ गाने बहुत अच्छे थे, फिल्म तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन गाने बहुत अच्छे थे। इधर से देखने पर आपको टिप्स का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैद में है बुलबुल। कहीं ना कहीं ये ऑडियो कैसेट देखकर हमको वही पुराना भूला बिसरा हुआ ज़माना याद आ जाता है, जब हमारे उस ज़माने में ढेर सारी ऑडियो कैसेट थी, ढेर सारा संगीत था, ढेर सारे गाने थे और ढेर सारी खुशियाँ थीं। चलिए इधर से देखते हैं तो इस फिल्म के गाने लिखे हुए हैं, और चलिए हम कैसेट दिखा देते हैं, इसे कवर दिखा देते हैं आपको। यदि हम इसके कवर की बात करें तो यहाँ पर गाने लिखे हुए हैं, और यदि हम इसकी पैकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है 1992, मतलब फाइनली ये मास्टर कैसेट है। उस ज़माने में ये 25 रुपये की आया करती थी, और इधर से देखने पर आपको दीदार फिल्म का म्यूजिकल ट्रेलर मिल जाता है। यदि आपको दीदार फिल्म का म्यूजिकल ट्रेलर देखना है या इस फिल्म का रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाना और इस प्लेलिस्ट को खोल लेना। मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी है 1991 में आई ऑडियो कैसेट की भी, और 1992 में आई ऑडियो कैसेट की भी, और 1990 में जो ऑडियो कैसेट थी उनकी सबकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो एक बार जरूर जाना यदि आपको दीदार फिल्म का ऑडियो कैसेट रिव्यू देखना है, कैसेट देखना है, या इसका म्यूजिकल ट्रेलर देखना है। यदि इधर से देखें तो ये खाली है बिल्कुल, और इधर से देखने पर आपको पूरी यहाँ पर दिख जाता है। चलिए कैसेट दिखाता हूँ, ये है हमारे पास कैसेट। अब एक्चुअली में ये कैसेट तो मास्टर है, लेकिन इसका जो कवर था दोस्तों वो गिर गया था, तो टूट गया था। तो मैंने एक्चुअली में ये यूनाइटेड कंपनी का एक ये कवर रखा था मेरे पास, ये मैंने लगा दिया है, लेकिन ये टिप्स कंपनी की कैसेट है, ओरिजिनल कैसेट है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये फाइनली मास्टर कैसेट है। और म्यूजिक सेंटर वाले अक्सर आप जानते थे कि उनकी कैसेट बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग के काम आया करती थी, तो कभी कवर टूटना, कभी कुछ टूटना, ये अक्सर हो जाया करता था। तो हम इस प्रकार के कवर किसी न किसी कैसेट के बदल लिया करते थे, तो उसी को लिए दोस्तों मैंने इस फिल्म का कवर बदल लिया है, इस कैसेट का कवर बदल लिया है, लेकिन फाइनली ये मास्टर कैसेट है। चलिए आपको मैंने कवर दिखा दिया, अब हम बात करते हैं इसके गानों की, इसमें गाने कौन कौन से हैं। तो गाने दोस्तों इधर लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड ए में है 4 गाने और साइड बी में है 3 गाने। अब गाने कौन कौन से हैं जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं,
हम तो हैं लव बर्ड, और इसमें आवाज़ें हैं अलका याग्निक एवं अभिजीत की। साइड ए का दूसरा गाना है दोस्तों, वो है फूल खिले आए दिन बहार के, जिसमें आवाज़ें हैं अलका याग्निक की। साइड ए का जो तीसरा गाना है वो है दोस्तों मैं हूँ बागों की बुलबुल, जिसमें आवाज़ें हैं सुरेश वाडकर एवं कविता कृष्णमूर्ति की। और साइड बी का लास्ट गाना है कितना लंबा बिजली का खंभा, जिसमें आवाज़ें हैं सुरेश वाडकर एवं कविता कृष्णमूर्ति की। अब हम बात करेंगे साइड बी की, तो साइड बी में जो पहला गाना है वो है दोस्तों मैं तेरी प्रेम दीवानी। ये गाना बहुत अच्छा है अलका याग्निक सुरेश वाडकर की आवाज़ में। साइड बी का दूसरा गाना है वो है दोस्तों हकीम तारा चंद जरा, जिसमें आवाज़ें हैं दोस्तों कविता कृष्णमूर्ति की। दोस्तों आपको ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, हकीम तारा चंद, उस ज़माने के गानों में ये नाम बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता था। ये गाना था हकीम तारा चंद मेरी नब्ज ही न जाने, इस प्रकार के हकीम तारा चंद उस ज़माने में गानों में यूज हुआ करता था। आपके साथ कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं हकीम तारा चंद का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साइड बी का जो लास्ट गाना है वो दोस्तों कैद में है बुलबुल, इस फिल्म का है टाइटल सॉन्ग, जिसमें आवाज़ें हैं अलका याग्निक एवं सुरेश वाडकर की। तो फाइनली इस फिल्म में यदि हम गानों की बात करें तो साइड ए में 4 और साइड बी में 3 गाने दिए हुए हैं, टोटल हैं 7 गाने। और ये मैंने आपको दिखा दी मास्टर कैसेट, कैसेट का कवर भी दिखा दिया। चलिए एक बार और आपको इस फिल्म के गानों की झलकियाँ सुना देता हूँ और इस फिल्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कैद में है बुलबुल 1992 में आई हिंदी भाषा की बहुत ही प्यारी फिल्म थी, जो कि 27 मार्च 1992 को रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में हमको मुख्य भूमिका में नज़र आए थे भाग्यश्री, हिमालय, गुलशन ग्रोवर एवं सुधा चंद्रन। इसके डायरेक्टर रविंद्र पीपड़ जी थे, प्रोड्यूसर भी रविंद्र पीपड़ जी थे, म्यूजिक आनंद मिलिंद का था, लिरिक समीर के थे, स्क्रीन प्ले भी दोस्तों रविंद्र पीपड़ का था, डायलॉग्स भी सब रविंद्र पीपड़ के थे और स्टोरी भी रविंद्र पीपड़ की थी। फाइनली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन इस ऑडियो कैसेट ने कुछ अच्छे गाने आप सभी दर्शकों को सुनाए थे उस ज़माने में। वो कौन से गाने थे अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस ऑडियो कैसेट को देखकर आपको 90s का दशक जरूर ही याद आ गया होगा। यदि आप भी भाग्यश्री के प्रशंसक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फाइनली आज हमने देखा कैद में है बुलबुल का ऑडियो कैसेट रिव्यू। फाइनली इसकी अनसुनी बातें मुझे इंटरनेट पर नहीं मिली, तो इस वीडियो में सम्मिलित नहीं करूंगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए ऑडियो कैसेट की पुरानी भूली बिसरी यादें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।